हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। आप में से बहुतों की रिक्वेस्ट आई थी कि बच्चों के समर वेकेशंस खत्म हो गए हैं तो मैं कुछ टिफिन रेसिपीज शेयर करूं जो आप उनको स्कूल में दे पाएं। तो आज ऐसी ही एक रेसिपी की शुरुआत कर रही हूं बनाने के लिए। ये रेसिपी ना सिर्फ सिंपल है, इसकी कुछ प्रेपरेशन आप रात को ही करके रख सकते हैं। प्रोटीन रिच है ये चीज़ और आप ब्रेकफास्ट में भी इसको ले सकते हैं। हम बना रहे हैं मिनी हांडवो बाइट्स, जिसके लिए कुछ चीज़ें मैंने रात को भिगो के रख दी थी और ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। मैंने क्या क्या रात को किया था मैं आपको बता देती हूँ। मैंने एक कप चावल, आधा कप चने की दाल, एक चौथाई कप तुअर की दाल यानी कि अरहर की दाल, दो टेबलस्पून उड़द की दाल और एक टीस्पून मेथी दाना, इन सभी चीज़ों को रात को बहुत अच्छे तरीके से धो के मैंने भिगो के रख दिया था। मैंने यहाँ पे जो चावल और दालों की क्वांटिटी यूज़ की है उस क्वांटिटी में आप थोड़े बहुत डिफरेंसेस कर सकते हैं अपने टेस्ट और प्रेफरेंस के हिसाब से। अगर कोई दाल आप नहीं खाते तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं या फिर उसकी जगह कोई और दाल भी यूज़ कर सकते हैं। ये एक बेसिक रेसिपी है जो मैं आपको बता रही हूँ, जो हर बार बहुत अच्छी बनती है और मैं हर बार इसे बनाती हूँ। ओवरनाइट ये सब चीज़ें मैंने भिगो दी थी और सुबह जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये बहुत अच्छे तरीके से फूल चुकी हैं और सभी चीज़ें सॉफ्ट भी हो चुकी हैं, आप आराम से इन्हें तोड़ पाएंगे। अब इस पे कुछ और करने से पहले मैंने यहाँ पे दो टमाटर डायरेक्टली गैस के ऊपर रोस्ट करने के लिए रखे हैं। इनसे मैं एक बना रही हूँ एक बहुत ही अच्छी टेस्टी और यूनिक सी चटनी जिसका नाम है पहाड़ी चटनी। ये भी काफ़ी सिंपल है बनाना एंड एज अ मील प्रेप आप इसको एक रात पहले ही बना के रख सकते हैं फ्रिज में। वैसे ये चटनी फ्रिज में आराम से 4-5 दिन टिक जाएगी। जैसे ही टमाटर अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो आप इन्हें निकाल लीजिए एक प्लेट में और इन्हें ठंडा होने दीजिए। जब तक ये टमाटर ठंडे हो रहे हैं तब तक हम अपने हांडवो का काम कर लेते हैं। ये जो दाल चावल हमने भिगो के रखे थे ये हमें पीसने हैं, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ। मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में ले रही हूँ अदरक, हरी मिर्ची, कुछ कड़ी पत्ते, आधा कप दही और अब ये सोक्ड दाल और चावल मैं ले लूँगी। कोशिश कीजिए कि जिस पानी में ये भीगे हुए हैं आप उस पानी का इस्तेमाल ना करें। ऐसा करने से जिन लोगों को ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है या फिर डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सभी चीज़ों को हमें बहुत स्मूदली ब्लेंड करना है एकदम इनटू अ फाइन पेस्ट। बैचेस में ही इस मिक्सर को ग्राइंड कीजिएगा, सारा मिक्सर एक साथ मत ग्राइंड कीजिएगा वरना वो ठीक से पिसेगा नहीं। और अगर आपको चाहिए तो थोड़ा थोड़ा आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि हमने इसमें दही भी डाला है। तो अगर आपको सिर्फ ज़रूरत लगे तो एक दो चम्मच कर करके ही पानी यूज़ कीजिएगा इसे फाइनली ब्लेंड करने के लिए। ये ब्लेंडेड पेस्ट हम निकाल लेंगे एक बड़े से बोल में और हम इसमें डालेंगे कुछ और चीज़ें विच इंक्लूड्स मदर्स लव। घर में जितनी भी आपके सब्जियां पड़ी हैं स्पेशली जो बच्चे नहीं खाते उनको आप यहाँ पे डाल सकते हैं, लेकिन एकदम फाइनली चॉप करके। वैसे मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी। वैसे मैं लौकी भी लाई थी लेकिन मेरे बेटे ने देख ली और उसने मुझे यूज़ नहीं करने दी। आप लौकी भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन लौकी को ग्रेट करके यानी कि कद्दूकस करके यूज़ कीजिएगा। मैंने सभी सब्जियों को इलेक्ट्रिक चॉपर में डाल दिया और एकदम फाइन चॉप कर लिया है। वैसे अगर आपके घर में कोई आनाकानी नहीं करता खाने में तो आप ये सभी चीज़ें थोड़ा मोटा मोटा भी काट के ले सकते हैं। मैं तो यहाँ पे फाइनली चॉप कर रही हूँ क्योंकि जैसे कि मैंने बताया तभी बच्चे आराम से खा लेते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता कि उनके मुँह में क्या गया। आप सीजन करेंगे इसे मसालों से जिसमें मैंने डाला है नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। साथ ही में जाएगी इसमें थोड़ी सी हींग और सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। हमारा ये बैटर वैसे तो रेडी हो गया है। इस बैटर की कंसिस्टेंसी सेम वैसी ही रहेगी
जैसे कि हम अप्पे या पनियारम्स बनाते वक्त रखते हैं। मतलब कि ये बैटर थिक तो है लेकिन फ्लोइंग भी है। लुक एट दिस। अब इस बैटर को थोड़ी देर हम कर देते हैं किनारे और टमाटर जो कि हमारे ठंडे हो चुके हैं चटनी बनाने के लिए उन पे हम काम करेंगे। ये जो उसकी स्किन है ये हम उतार देंगे, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। जितना भी रोस्ट करने से फ्लेवर था वो हमें इन टमाटरों में मिल चुका है। ये स्किन अब बहुत आसानी से निकल जाएगी और अगर थोड़ा बहुत आपको लगे कि रह गई है तो डोंट वरी, इट इज़ ओके। अब चटनी बनाने के लिए ये दोनों ही टमाटर मैं ब्लेंडर जार में ले लूँगी। साथ ही मैं लूँगी थोड़े से पुदीने के पत्ते, अराउंड हाफ अ कप। एक कप के करीब ले रही हूँ धनिया पत्ती, दो हरी मिर्ची, एक टुकड़ा अदरक का और लहसुन सिर्फ अगर आप खाते हैं तो, और आप इसमें चाहें तो थोड़ा सा प्याज भी डाल सकते हैं। इसको ब्लेंड करने में आपको दिक्कत नहीं आएगी, ना ही पानी का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर है टमाटर और इस वजह से चटनी आराम से पिस के रेडी हो जाएगी। इस चटनी में ऊपर से डालिए आप नमक स्वाद अनुसार और अगर आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा नींबू का रस भी डाल सकते हैं और ये चटनी हो गई है रेडी। लाइक आई सेड, आप एज अ पार्ट ऑफ योर मील प्रेप इसे एक रात पहले भी बना के रख सकते हैं फ्रिज में। ना सिर्फ इन हांडवो बाइट्स के साथ ये चटनी अदरवाइज भी खाने के साथ बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। अब हांडवो बनाने के लिए एक तड़के की तैयारी करते हैं जिसके लिए मैं ले रही हूँ हींग, जीरा, राई और सफ़ेद तिल। तड़का लगाने के लिए एक पैन में हम ऑयल गरम करेंगे और ये चारों ही चीज़ें ऑयल गरम हो जाने पे उसमें डाल देंगे। ये तड़का इस हांडवो का टेस्ट बहुत ज़्यादा एनहांस कर देता है। जैसे ही सारी चीज़ें सिजल होने लगेंगी तो ये तड़का हम डाल देंगे अपने बैटर में और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अगर आपको लगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक हो रही है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दीजिए। ये बैटर पानी की तरह फ्री फ्लोइंग तो नहीं होगा लेकिन थिक बट फ्लोइंग ज़रूर होगा। मिनी हांडवो बाइट्स हैं इसलिए हम इन्हें बनाएंगे अप्पे पैन में। जब तक अप्पे पैन गर्म हो रहा है मैं इस बैटर में अब डालूंगी एक टीस्पून के करीब खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा। आप चाहें तो फ्रूट सॉल्ट यानी कि इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इनो या बेकिंग सोडा डालने के बाद हम इस बैटर को बहुत ज़्यादा देर नहीं रख सकते हैं, तुरंत ही इसको मिक्स कर देंगे और अप्पे बनाना शुरू करेंगे। अप्पे मतलब मिनी हांडवोज जो हम बना रहे हैं इस अप्पे पैन में बनाएंगे। अप्पे पैन की सभी कैविटीज़ को मैंने थोड़े से ऑयल के साथ फिल कर दिया है। ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए हर कैविटी में, या तो आप ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑयल स्प्रेड करने के लिए या फिर इस तरीके से पैन को स्वर्ल कर दीजिए। और इसके अंदर हम डालेंगे सफ़ेद तिल। आप अंदाजे से थोड़ा सा हाथ में लेके इस तरीके से हर कैविटी के अंदर ये तिल डाल दीजिए। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। अब एक चम्मच की मदद से हर कैविटी में आप ये बैटर डाल दीजिए। बड़ी करछी मत यूज़ कीजिएगा, चम्मच से ये आराम से डलते हैं। और ढक के हम इन्हें लो फ्लेम पे 1 से 2 मिनट तक पकने देंगे। आफ्टर विच जब आप ढक्कन हटाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये फूल चुके होंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी हैं। आप ऊपर से भी डाल दीजिए इन सब पे थोड़ा थोड़ा ऑयल और पलट के हम इन्हें अब पकाएंगे। जब आप इन्हें पलटेंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये नीचे से अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं। हाँ, बट इन्हें आप लो या लो मीडियम फ्लेम पे ही पकाइएगा वरना ये अंदर तक अच्छे से पकेंगे नहीं। ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये पक चुके हैं, लाइट ब्राउन सी कोटिंग भी आ चुकी है इनके ऊपर एंड दे आर लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये खाने में और स्पेशली बच्चों को इसी वजह से बहुत पसंद आते हैं। टिफ़िन के लिए परफेक्ट ऑप्शन है।
ना सिर्फ टिफिन के लिए ये परफेक्ट ब्रेकफास्ट रेसिपी है बिकॉज ये हाई प्रोटीन है। और जैसे कि मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि मॉर्निंग्स की शुरुआत हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट या हाई प्रोटीन मील के साथ ही करनी चाहिए। तो अब ये सभी अप्पे मैंने पलट दिए हैं और दूसरी तरफ से भी हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने देंगे। आप चाहें तो दूसरी तरफ से भी आप ढक के इन्हें पका सकते हैं अंटिल दीज आर कम्प्लीटली डन। एक आध मिनट ही और लगेगा और ये दूसरी तरफ से भी बहुत अच्छे तरीके से पक जाएंगे। हर तरफ से जब ये गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प हो जाएं, देन दीज आर रेडी टू बी सर्व्ड। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, बहुत ज़्यादा यमी बनते हैं और नीडलेस टू से बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस रेसिपी है ये। सो डू गिव दिस वन अ ट्राई। तो यहाँ पे बच्चों का टिफिन बॉक्स हो गया है रेडी। आई होप इस रेसिपी को आप भी ट्राई करेंगे और अपने बच्चों को भी ज़रूर देंगे। बच्चे तो ये टिफिन बॉक्स में लेके गए थे और हमने भी यही नाश्ता किया। वेल, बिकॉज वी ऑल्सो डिजर्व अ न्यूट्रिशियस मील राइट एट द स्टार्ट ऑफ द डे। आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगली रेसिपी के लिए स्टे ट्यून्ड बिकॉज आई विल बी बैक प्रीटी सून। बाय बाय।